हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। यहाँ पर देखिए, जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के न्यू सिलेबस को जानेंगे, जो कि न्यू सिलेबस 2022 होगा, यानी 2022 का सिलेबस होगा। और देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, जो आपका जो PDF होगा, जो इस बुक का PDF होगा, वो आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, ये किस में प्रोवाइड किया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है, ज्वाइन हो जाए, ताकि इस PDF का एडवांटेज ले सके, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आपको जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए, सीधा चलते हैं, बात करते हैं कि इसमें क्या क्या देखेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक वाइज आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए, घबराइए मत एकदम। तो देखिए, मूव करते हैं सीधा अपने इसमें, ठीक है, जो आपका पूरा स्टडी क्या क्या करना है। तो फाइनली देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। यहाँ पर देखिए, आपको जो प्रैक्टिकल होगा वो भी बता दिया जाएगा कि प्रैक्टिकल आपका किस किस टॉपिक का होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, रेशनल लिखा हुआ है और ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है, ये इसका इससे आपका ज़्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका टॉपिक है, सॉरी, जो चैप्टर है आपका, यहाँ पर देखिए चैप्टर आपको क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल देखिए, अगर हम बात करें तो टोटल आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, तो जो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का। और देखिए, इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए, फ्लड का कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके टाइप्स ऑफ फ्लड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड्स एंड VIG मास, ठीक है, डेंसिटी, और यहाँ पर देखिए, यानी वेलोसिटी जो है, और उसके बाद वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट भी इसको कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, उसके बाद देखिए कैपिलरिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एंड कंप्रेसिबिलिटी हो गया, सर्फेस हो गया, टेंसन हो गया, और देखिए काइनेमेटिक्स हो गया, विस्कोसिटी एंड डायनेमिक्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर विस्कोसिटी एंड दियर यूनिट्स, यहाँ पर ये सभी जो टॉपिक होंगे इसको देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो आपका विस्कोसिटी है, ये आपका मतलब ये चैप्टर आपका ये क्या करेगा, ये आपको बेसिक मतलब तैयार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जो सेकंड चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट है। तो इस चैप्टर में देखिए क्या है, यहाँ पर आपको क्या क्या आप पढ़ना है, टॉपिक आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर को आपको देखना है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रेशर का, यहाँ पर सारे कंडीशंस में, जैसे गेज प्रेशर, प्रेशर गेज हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और सेकंड जो आपका पढ़ना है प्रेशर मेजरिंग हो गया डिवाइस, ठीक है। तो ये आप इसमें कई मीटर भी देखेंगे, जैसे पाइजोमीटर हो गया, और देखिए डिफरेंस मतलब डिफरेंट टाइप के देखेंगे। यहाँ पर देखिए सिंगल कॉलम हो गया, इन्वर्टेड यूट्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब यू आकार का एक ट्यूब होगा, उसके बाद माइक्रो मैनोमीटर हो गया, और इंक्लूडिंग सिंपल प्रॉब्लम्स, इस टाइप के मतलब आपको टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर बॉर्डन प्रेशर गेज हो गया, डायाफ्राम, यहाँ पर देखिए डायग्राम जो भी है, प्रेशर गेज एंड डेड वेट प्रेशर गेज हो गया, ये सारे जो आपको पढ़ने हैं, ये आपका ठीक है, यहाँ पर देखिए पढ़ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ट्यूब है ये आपका ज़्यादा देखिए, यहाँ पर ट्यूब जो है ये आपका यूट्यूब है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, मतलब शेप पूछ लेता है कि किस शेप का है, ठीक है। और देखिए ये डायाफ्राम है, उसके बाद देखिए जो थर्ड आपको चैप्टर पढ़ना है, थर्ड चैप्टर पढ़ना है फ्लो ऑफ फ्लड्स, तो फ्लो ऑफ फ्लड्स ये थर्ड चैप्टर नेम है। यहाँ पर देखिए, ये सारा जो है ये आपका टॉपिक पढ़ना है, जो यहाँ पर देखिए टॉपिक जो है बर्नौली थ्योरम है, बर्नौली थ्योरम, देखिए बर्नौली थ्योरम क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर जो बर्नौली थ्योरम आप पढ़ भी चुके होंगे, z प्लस p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू में एच, ठीक है, या कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा बर्नौली थ्योरम का देखिए व्यंजक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए आपको जो चैप्टर पढ़ना है, ये आप टॉपिक देख लीजिए। उसके बाद देखिए, जो आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर देखिए यहाँ पर
ये चैप्टर नंबर 4 है फ्लो थ्रू पाइप्स। तो फ्लो थ्रू पाइप में क्या देखना है, यहाँ पर देखिए ये आपको टॉपिक वाइज सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट जो यहाँ पर है इसको ये देखना है, उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक में आपको ये पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद देखिए जो फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम किस बेस पर कार्य करता है, क्या इसका मतलब ये किस सिस्टम पर डिपेंड है, सारा कुछ। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए बता दें यहाँ पर, तो जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर हो गया, ये सारे कुछ ये क्या है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए चैप्टर जो है चैप्टर सिक्स में क्या पढ़ना है आपको, वाटर टर्बाइंस एंड पंप्स। तो ये देखिए इसमें भी आपको ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो टॉपिक आप यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं टॉपिक भी आप लोग देख सकेंगे आसानी से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो 7 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या पावर जो ऑयल होता है वो क्या पावर कंडक्ट करता है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के लिए, ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको देख लीजिएगा टॉपिक वाइज सारा कुछ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए बात करते हैं चैप्टर नंबर एट जो है क्या है, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। यहाँ पर ये फर्स्ट जो दिया हुआ है, सेकंड आपका ये दिया हुआ है टॉपिक्स, एंड थर्ड ये है, और फोर्थ आपका ये दिया हुआ है। तो इसको भी आप मतलब देख लीजिए एक बार। लास्ट देखिए लास्ट बचा हुआ है, लास्ट 9 नंबर चैप्टर है, चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। अभी क्या था, हाइड्रोलिक सिस्टम था, अब न्यूमेटिक सिस्टम आ गया। तो यहाँ पर आपको ये देखिए सिंपली देखना है, ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनको देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, तो प्रैक्टिकल में आपका क्या क्या मतलब प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका यहाँ पर देखिए लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पर आप इसको फर्स्ट में देख लीजिए, जैसे फर्स्ट में आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हेड बाई एम्प्लॉइंग, ठीक है, यहाँ पर पाइजोमीटर द्वारा, पाइजोमीटर ट्यूब के द्वारा, और यहाँ पर सिंगल एंड डबल कॉलम मैनोमीटर के द्वारा भी कराया जा सकता है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये सारा कुछ क्या है आपका, यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, जो भी आपका चैप्टर वाइज आपका टॉपिक सारा सब कुछ कवर किया गया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि देखिए कभी अभी तो किसी को ज़्यादा मालूम भी नहीं है सिलेबस, उसको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, तो इसलिए आप क्या करें अपने जो ग्रुप हो उसमें शेयर ज़रूर करें, ताकि कम से कम पता चल सके कि आप मतलब इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।